कौन ज्यादा तेजी से सफर कर सकता है, यूसेन बोल्ट या फिर फॉर्मूला वन कार? इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि फासला और वक्त को इस्तेमाल करते हुए रफ्तार कैसे मालूम की जा सकती है, और फिर हम इसका इस्तेमाल ये जानने के लिए करेंगे कि दोनों में से कौन ज्यादा तेज है। रफ्तार या स्पीड ये पैमाइश करता है कि कोई शय कितना फासला यानी डिस्टेंस कितने वक्त यानी टाइम में तय करती है। रफ्तार को मुंतजिल कुलिये या फॉर्मूला से नापा जा सकता है। रफ्तार बराबर तय करदा फासला तकसीम वक्त। तो ये जानने के लिए कि आया फॉर्मूला वन कार ज्यादा तेज है या यूसेन बोल्ट, हमें ये जानना होगा कि उन्होंने कितना फासला तय किया और ये फासला तय करते हुए उन्हें कितना वक्त लगा। तो आए पहले यूसेन बोल्ट को देखते हैं। सन 2009 में यूसेन बोल्ट ने एक आलमी रिकॉर्ड बनाया जिसमें उसने 100 मीटर का फासला 9.58 सेकंड में तय किया था। इस कुलिये को इस्तेमाल करें तो रफ्तार बराबर है फासला तकसीम वक्त 100 मीटर तकसीम 9.58 सेकंड, यानी उसकी रफ्तार 10.44 मीटर फी सेकंड थी। हमारे पास फासला और वक्त की इकाई यानी यूनिट मौजूद है जो कि बिलतरतीब मीटर और सेकंड है। इससे हमने रफ्तार की इकाई मालूम की, मीटर तकसीम सेकंड से मीटर फी सेकंड हासिल हुआ। ये दुनिया के तेज तरीन इंसान का बहुत मुतासिर कुन कारनामा है। तो इसकी निस्बत एक F1 कार कितनी तेज होती है, वीडियो को पॉज करें और जवाब मालूम करें। क्या आपका जवाब 375 किलोमीटर फी घंटा है? तो कौन तेज हुआ ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। आपके ख्याल से इन दो जवाबात का मुवाजना करना मुश्किल क्यों है, वीडियो को पॉज करें और सोचें। ये जानने के लिए कि कौन ज्यादा तेजी से सफर कर रहा है, रफ्तार की इकाइयों का एक जैसा होना जरूरी है। तो चलें F1 कार की रफ्तार को मीटर फी सेकंड में तब्दील करते हैं। किलोमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए हमें उसे 1000 से ज़र्ब देना होगा, और एक घंटे को सेकंड में तब्दील करने के लिए पहले 60 मिनट और फिर 60 सेकंड से ज़र्ब देना होगा। तो 3,75,000 मीटर तकसीम 3,600 सेकंड के नतीजे में 104.2 मीटर फी सेकंड जवाब आएगा। अब हमारे पास एक ही इकाइयों की रफ्तार मौजूद है, ये बासानी देखा जा सकता है कि F1 कार की रफ्तार ज्यादा तेज है। इस कुलिये को एक फॉर्मूला ट्रायंगल के तौर पर भी लिखा जा सकता है। रफ्तार बराबर है फासला तकसीम वक्त के, और वक्त बराबर है फासला तकसीम रफ्तार के, और फासला बराबर है रफ्तार ज़र्ब वक्त के। यहाँ आपके लिए दो सवालात हैं, वीडियो को पॉज करें और इन्हें हल करें। क्या आपके जवाबात दुरुस्त आए? 150 किलोमीटर का फासला और 1.66 घंटे का वक्त जो कि 1 घंटा 40 मिनट बनता है। तो अब आप रफ्तार, फासला और वक्त को शुमार कर सकते हैं और रफ्तार की इकाई के मुतालिक भी जान सकते हैं। और हाँ, आपने ये भी साबित कर दिया कि F1 कार दुनिया के तेज तरीन इंसान से भी ज्यादा तेज रफ्तार है।